हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम एक नई जगह को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। आज हम जाएंगे अमरूदों के बाग में। जी हाँ, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और अमरूद अब मार्केट में आने लग गए, तो हम जाके देखेंगे अमरूद के बाग में कि अमरूद कैसे उगते हैं, उनका क्या प्रोसीजर होता है। और हम वैसे तो यूजली ये सब सवाई माधोपुर में सबसे ज़्यादा इनका उपजाव होता है, लेकिन हम सवाई माधोपुर तक नहीं जाएंगे। उससे पहले एक गाँव है गिलगोदर, और हम उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। तो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड में ये पूरा अमरूद का बाग है। ये जस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबे नहीं होते हाइट में, बट यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन सी, ये सब अमरूद है। और ये ज़्यादा ऊंचे नहीं होते, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ, बड़ी छोटे हाइट के पेड़ होते हैं। और बट ये गांव में इनका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ये भी बहुत छोटे फॉर्म में है। ये भी ऑलमोस्ट पकने वाला है। ये देखिए, ये एक पका हुआ है। ओह सॉरी, ये एक पका हुआ मेरे हाथ में आ गया। बाग में घूमते हुए एकदम फ्रेश अमरूद को खाने का अलग ही मजा है। इसके अंदर घूमने का भी अपना एक अलग मज़ा है। आपको ऐसे झुक के निकलना पड़ता है, क्योंकि इन पेड़ों की साइज़ काफ़ी छोटी है। मतलब मैं अगर खड़ा हो जाऊँगा तो मैं इनकी डालियों से टकराऊँगा। बट यहाँ बहुत पीस है, बहुत अच्छा लग रहा है। द गुड थिंग इज़ यहाँ पे आपको अमरूदों की फ्रेग्रेंस आती रहेगी, जो बहुत बहुत अच्छी लगती है। एंड जस्ट लुक एट द नेचर, कितना कितना प्यारा लग रहा है। देखिए आप कितने अमरूद ऐसे पड़े हैं, ये देखिए, ये देखिए। वहाँ बाजार में हम इनकी अच्छी खासी कीमत देके नहीं खरीदते हैं, और यहाँ बाग में देखिए आप अमरूद ऐसे ऐसे बड़े हैं।
जस्ट हैव अ लुक। या ये देखिए मस्त, कितना क्यूट लग रहा है। एंड इसे अभी उठाया है, उसको थोड़ा हल्का सा क्लीन करके अभी खा लो। इसका अलग ही स्वाद है, अलग ही मजा है। दोस्तों अमृतों के बाग को देखने के बाद हम लोग उनके पास गए जो इस बाग का ऑपरेट करते हैं। ऐसे यहाँ पे हजारों बाग हैं, लेकिन अब जिस बाग में हम लोग थे हम उन लोगों से मिले। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से अमृतों को पैकिंग की जाती है। इस तरह की पैकिंग लोकल डिस्ट्रीब्यूशन में काम आती है, लेकिन अगर ये एक्सपोर्ट होती है, यानी कि अगर ये राजस्थान से बाहर जाएगी या विदेश में जाएगी, तो उसकी अलग तरीके से पैकिंग की जाती है। दोस्तों राजस्थान में सवाई माधोपुर के जो अमरूदों का बाग है, इसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे पूरे देश के अमरूदों के उत्पादन में। आप माने या नहीं माने, लेकिन हमारे पूरे देश के 50% अमरूदों का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में होता है। और राजस्थान में भी 75 से 80% का उत्पादन सवाई माधोपुर में होता है। जी हाँ दोस्तों, तो सवाई माधोपुर का जो अमरूदों का बाग है, दिस इज़ नॉट ओनली इन राजस्थान, लेकिन पूरे इंडिया में फेमस है। और यहाँ पर अगर आप आएंगे तो किलोमीटर्स के किलोमीटर्स में आपको इस तरह के बाग मिलेंगे। गाइस हम खाली हाथ नहीं जा रहे हैं, यहाँ से बहुत सारे अमरूद हमें फ्री में मिले हैं। उन्होंने कहा कि आप जितना चाहे आप अमरूद ले लो, बट ऑब्वियसली हम वी कांट नॉट टेक मोर देन आवर कैपेसिटी। बट ये बिल्कुल फ्रेश है, बहुत अच्छे हैं। और आई एम वेरी हैप्पी दैट आई शेयर ऑल दीज थिंग्स विथ माई फैमिली। एंड यहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत मुझे बहुत मज़ा आया आज के इस ब्लॉग को बनाने में। सो गाइस दैट वाज अ शॉर्ट वीडियो ऑफ द अमरूद का बाग, एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस ऐसी जगह पर आना और अपने आप को बहुत पीसफुल महसूस करना, एंड विथ लॉट्स ऑफ अमरूद, खूब सारे अमरूद जो आपके पास हो बिल्कुल तरोताज़ा, तो आपको अलग ही मज़ा आएगा। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। See you in the next video. Bye.